हेलो एंड वेलकम टू इंडियन यम, दिस इज योर होस्ट शिल्पा। आज मैं आपके साथ एक बहुत ज्यादा हेल्दी क्विक और इजी ब्रेकफास्ट रेसिपी शेयर करने वाली हूँ। सो वॉच दिस वीडियो टिल द एंड एंड इफ यू फाइंड इट हेल्पफुल प्लीज हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब टू इंडियन यम। सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स गेट स्टार्टेड। इंस्टेंट व्हीट फ्लावर डोसा बनाने के लिए मैं यहाँ ले रही हूँ आधा कप गेहूँ का आटा, आधा कप चावल का आटा और 1/4 कप सूजी। इसमें थोड़ा सा नमक ऐड कर देंगे और इन्हें मिक्स कर लेंगे। अब इसमें थोड़ा थोड़ा करके पानी ऐड करेंगे और इसका एक पतला सा बैटर रेडी कर लेंगे। अब इस बैटर में हम ऐड करेंगे 1/2 टीस्पून ऑफ जीरा, 8 से 10 बारीक चॉप की हुई करी लीव्स, बारीक चॉप किया हुआ प्याज और बारीक चॉप किया हुआ हरा धनिया। इसमें थोड़ी सी बारीक चॉप की हुई हरी मिर्च भी ऐड कर देंगे और इसे अच्छे से मिक्स करने के बाद 10 मिनट के लिए रेस्ट करने के लिए रख देंगे। 10 मिनट के बाद ये बैटर थोड़ा सा थिक हो गया है क्योंकि सूजी अच्छे से फूल गई है, तो इसमें हम थोड़ा सा पानी और ऐड कर देंगे। तो देखिए बैटर की कंसिस्टेंसी कुछ इस तरह की होनी चाहिए। अब एक पैन को हम थोड़े से ऑयल से ग्रीस कर लेंगे और इसमें डोसे का बैटर इस तरह से फैला देंगे। इसे हम 1 मिनट के लिए कुक होने देंगे और उसके बाद इसे टर्न कर देंगे। अब इस डोसे को हम दूसरी तरफ से भी 15 से 20 सेकंड्स के लिए कुक कर लेंगे। तो देखिए हमारा डोसा दोनों तरफ से अच्छे से कुक हो गया है। तो अब हम इसे एक प्लेट में निकाल लेंगे। हमारे गर्मा गर्म व्हीट फ्लावर डोसा बन के रेडी हो गए हैं। ये एक बहुत ही ज़्यादा इजी, हेल्दी और क्विक रेसिपी है। इसे आप सांभर, नारियल चटनी या फिर पीनट चटनी के साथ सर्व कर सकते हैं। सो इफ यू फाइंड टुडेज वीडियो हेल्पफुल प्लीज़ गिव इट अ बिग थम्स अप एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।